हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की रेसिपी। चने की रेसिपी बनाने के लिए हमने चने को 3 से 4 घंटा पानी में भिगो के रखा था और ये अच्छी तरह फूल भी चुका है। और ये बारीक कटा हुआ प्याज, 5 से 6 मीडियम साइज के प्याज, ये हरी धनिया पत्ती, ये सरसों तेल, मसाले में हमने लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये काश्मीरी लाल मिर्च, ये सब्जी मसाला, ये गरम मसाला पाउडर, 4 से 5 हमने यहाँ पे लौंग लिया है, ये पंचफोरन, ये हल्दी पे अदरक का पेस्ट, ये काली मिर्च पाउडर, ये हल्दी पाउडर, ये हमने 1 से 2 हरी मिर्च और 1 लाल मिर्च लिया, 2 से 3 तेज पत्ता। इसमें मैं सरसों तेल डालूंगी। तेज पत्ता, हरी मिर्च, लाल मिर्च, मैं इसे चटकने दूंगी तभी मैं इसमें प्याज डालूंगी। इसमें मैं 5 फोरन डालूंगी, 4 से 5 लौंग, इसे मैं फ्राई कर दूंगी। ये हमारा चटक चुका है, इसमें प्याज डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। प्याज को 3 से 4 मिनट ब्राउन आने तक इसे फ्राई करेंगे, तभी हम इसे मसाले ऐड करेंगे। प्याज में ही हम नमक डालेंगे ताकि नमक के साथ प्याज हमारा हल्का ही गल जाए। इसे मैं मिक्स कर लूंगी। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, इसमें मैं सारे मसाले डाल दूंगी, ये गरम मसाला पाउडर, ये सब्जी मसाला, ये काश्मीरी लाल मिर्च, ये धनिया पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, ये हल्दी पाउडर, ये काली मिर्च पाउडर, ये अदरक का पेस्ट। पानी के साथ मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। मसाले को मिक्स करके हम इसे 5 से 6 मिनट फ्राई कर लेंगे, तभी हम इसमें चने डालेंगे। मसाले को हमने फ्राई कर लिया, इसमें मैं चने डाल दूंगी। चने डाल के मैं इसे मिक्स कर लूंगी। चने को भी हम इसी तरह 2 से 3 मिनट इसे भी हम भून लेंगे। इसमें हरी धनिया पत्ती भी डालती हूँ। चने को हमने फ्राई कर लिया, इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डाल के इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। हमारे चने की सब्जी बनके तैयार है। दोस्तों, हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।